सांसदों के निलंबन पर विपक्ष की आगे की रणनीति क्या होगी, इसे लेकर आज उनकी महत्वपूर्ण बैठक हुई। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मंथन किया और इस सब के बाद भी हंगामे और राजनीति का यह ड्रामा संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह होता रहा। विपक्ष गुस्से में है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सवाल मोदी सरकार से है, इंकलाब के नारों से बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्यों हुआ पारा सांसदों का निलंबन? अब विपक्षी दल एक पथ पर है, एक आवाज में बस एक ही मांग हो रही है, सांसदों का निलंबन रद्द हो। जो घटना लास्ट सदन में, लास्ट सेशन में हुआ था, फिर उसको उठाकर फिर से लोगों को सदस्यों को सस्पेंड करना ये गैर कानूनी है। हम लोग चाहते हैं जो 12 आदमी को, लेडीज और जेंट्स को जो सस्पेंशन कर दिया गया हाउस में इल्लीगल वे, इसको उठाना पड़े। आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी दलों ने बैठक की। फैसला किया गया कि निलंबित सांसद माफी नहीं मांगेंगे। राज्यसभा में वो धमक दिखी, कांग्रेस और अन्य दलों ने अपना गुस्सा दिखाया, निलंबन के फैसले के खिलाफ नाराजगी जताई, फिर लोकसभा और राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस के साथ एनसीपी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट, आरजेडी और आम आदमी पार्टी सांसद गांधी प्रतिमा के पास पहुंच गए। वहां सरकार की नीतियों और तौर तरीकों पर सवाल उठाते हुए खूब नारेबाजी की, 12 सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग की। सदन में कोई सामंत प्रभु तो नहीं है, ये कोई राजा और प्रजा का तो पार्टी नहीं है, ये देश प्रजातांत्रिक है और ये प्रजातंत्र की सबसे बड़ा पंचायत, महापंचायत कहिए, ये सदन है। यहाँ कोई जमींदार ये राजा नहीं है कि हम बात बात में इनको पैर पकड़े और माफी मांगे। ये माफी मांगने का क्यों, ऐसा ये जबरदस्ती क्यों माफी मांगने चाहते हैं? क्योंकि इनके हाथ में शंका है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक तरीके की बाहुबोलिया, ये बाहुबोली सियासत हो रहे हैं।